आज के स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से पिछले लेक्चर में हमने जितनी भी चीजें थी जैसे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, पाइपलाइंस, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स सबको कवर कर लिया। इस लेक्चर में हम छोटी छोटी जो टॉपिक्स बाकी हैं जैसे कम्युनिकेशन, टूरिज्म, इंटरनेशनल, उनकी बात करें। चलिए करते चल। सबसे पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन। मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था शुरुआत में एक लाइन लिखी थी, ट्रांसपोर्ट प्लस कम्युनिकेशन इज इक्वल टू कनेक्टिविटी। तो अब कम्युनिकेशन वाला फंडा अपने को देखने की जरूरत है कि कम्युनिकेशन में होता क्या है। कम्युनिकेशन मतलब कि किसी दो पर्सन या दो कंट्रीज या दो स्टेट्स या किन्हीं भी लोगों के बीच में कम्युनिकेट होना, थॉट्स का एक्सचेंज होना, आइडियाज का एक्सचेंज होना। अब भारत देश में पहले कैसे कम्युनिकेशन होता था, जो मीडियम था वो था पोस्टल नेटवर्क्स, एनवेलप्स, लेटर्स, ये सारी चीजें थी, और नोकिया 3310 का मैसेज बॉक्स सॉर्ट ऑफ। तो सबसे पहले इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क सबसे बड़ा है, और हमारा भारत का टेलीकॉम नेटवर्क भी सबसे बड़ा है। हमारे भारत देश का बोला भी जाता है कि यहाँ पे आईटी फील्ड बहुत ज्यादा ओपन अप है, यहाँ पे आपको आईटी टेक्नीशियंस बहुत मिलते हैं। जैसे एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया था भारत गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम था डिजिटल इंडिया कैंपेन, जिसकी फोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ताकि और डिजिटल भारत को सपोर्ट किया जा सके। हमारा भारत देश फिल्म्स का तो बहुत बड़ा शौकीन है, बॉलीवुड हो जाए या साउथ इंडियन मूवीज हो जाए, वेब सीरीज हो जाए, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, इतनी सारी चीजें खुल चुकी है, तो कहीं ना कहीं हमारा भारत देश का फिल्म्स प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है। और हाँ, फिल्म्स के प्रोडक्शन को एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूशन कवर करता है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। ये अगर कुछ गलत भी होता है तो फिल्म्स में इसे अब सेंसरशिप लॉज भी जिसे उसको बोलते ही है, तो फिल्म्स में से गलत चीजों को हटाया भी जाता है। तो पहले मूवी रिव्यू होती है, ये है कम्युनिकेशन की बात। इसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड पर तो हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, उसकी वीडियो की लिंक आपको आई बटन में दिख रही होगी। अब इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कि नियमित दो कंट्रीज के बीच का ट्रेड। अब हो सकता है कि एक कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही हो, इंपोर्ट कम कर रही हो, या ये भी हो सकता है कि एक कंट्री एक्सपोर्ट कम कर रही हो, इंपोर्ट ज्यादा कर रही हो, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर चीजें होती है। जैसे पहला है कि एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज्यादा है इंपोर्ट्स है, और किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट्स ज्यादा मायने रखते हैं कि ज्यादा बाहर सामान भेज रहे हो तो बाहर से पैसा आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं फेवरेबल ट्रेड। मान लेते हैं कि एक्सपोर्ट 30 है एंड इंपोर्ट्स 10 है, तो एक्सपोर्ट्स यहां पर ग्रेटर है, ये होता है फेवरेबल ट्रेड। अनफेवरेबल भी होता है जब एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से कम है, मतलब आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो रेदर देन आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, जो कि एक गलत चीज है, आपके प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट आपके 20 हैं एंड इंपोर्ट आपके 30 हैं, तो इस बार इंपोर्ट ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल ट्रेड, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल ट्रेड। अब हम बात करते हैं टूरिज्म एज अ ट्रेड की। अब बात करते हैं इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक जो की है टूरिज्म एज अ ट्रेड। टूरिज्म मतलब घूमी घूमी, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पे टूर कर रहे हैं। बेसिकली फॉरेन के जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर इंडिया को विजिट करना बहुत पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया वाले फॉरेन नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं। हम पढ़ाई के लिए जाते हैं, कुछ मजे के लिए जाते हैं, जैसे हनीमून होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बट टूरिज्म से ट्रेड कैसे जनरेट होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके ऊपर सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि टूरिज्म कैसे बेनिफिट करता है। सबसे पहले एक ऐसा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करवा सकता है, बहुत बड़ा सेक्टर है, और अभी कोविड के टाइम पे ये सेक्टर नीचे गिरा था, बट कहीं ना कहीं अभी वापस रिकवर हो रहा है। इसके अंदर अभी करंटली 15 मिलियन लोग एम्प्लॉयड है, लगभग 1.5 करोड़ लोग इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टूर गाइड्स, होटल्स, जितनी भी चीजें होती है वहां से ये पैसा कमाते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि ये लोकल हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करता है, कि जो भी फॉरेन के लोग होते हैं वो हमारे हाथ की कला को ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू मशीन गुड्स। फिर हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, कोई दूसरे देश के अगर लोग हमारे यहाँ पे आ रहे तो उन दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे होते हैं। हायर एम्प्लॉयमेंट, बता ही चुका हूं कि इसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होता है, और कहीं ना कहीं ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट है तो टर्शरी सेक्टर भी इससे ग्रो हो रहा है। फॉरेन टूरिस्ट विजिट क्यों करते हैं इंडिया, फॉर द हेरिटेज, एडवेंचर, मेडिकल एंड बिजनेस टूरिज्म। हमारे यहाँ पे इतनी सारी चीजें, मेडिकल से रिलेटेड आयुर्वेदा है, बिजनेस से रिलेटेड इतनी सारी चीजें हैं, या मेडिटेशन कैंप्स बने हुए हैं, या आपका कल्चरल हेरिटेज है, रिलीजियस हेरिटेज है,
बड़े बड़े एडवेंचरस मॉन्यूमेंट्स है, लाइक जैसे ताजमहल है, गेटवे ऑफ इंडिया है, इतनी सारी चीजें है। हमारे इंदौर का राजवाड़ा है, फूडी कैपिटल बोलते हैं हम भारत भारत का इंदौर को। तो इतनी सारी चीजें कि टूरिस्ट हमारे भारत देश में विजिट करते हैं, जिससे हमारा कहीं ना कहीं भला ही होता है। तो ये था आपका टॉपिक, इससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी भी पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।